बिहार की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने मेरे जो सहयोगी है पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता हूँ। जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हम इसको जीत नहीं कहते, जिम्मेदारी है जो मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता सौंपने जा रही है। हम विपक्ष धर्म निभाएंगे। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब एक महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हमारी हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलौर की भी। मरवाड़ा की जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, मरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। वहाँ से आपने सांसद जिताया था, आम आदमी पार्टी के सांसद जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। वहाँ पर जो MLA आम आदमी पार्टी के जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं ये समझना पड़ेगा। मुझे उन दोनों के प्रति संवेदना है, निश्चित रूप से उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया होगा, बड़ा दबाव डाला होगा, जो भी परिस्थितियाँ रही होगी। जनता के सामने ये मुद्दा ये आया कि इन दोनों ने जनता के मतों का धोखा दिया। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप, कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है। लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे सो गया है जो वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। तो उपचुनाव का दंगल, इंडिया का मंगल। देश की 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के नतीजे आए तो नतीजे चौंका रहे थे। स्कोर बोर्ड होता है, जैसे आप मैच देखते हैं वहां पर एक स्कोर बोर्ड होता है, तो स्कोर बोर्ड इस उपचुनाव में जो आया उसने बताया कि 10 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने सबको चौंका दिया। 2 सीट बीजेपी के खाते में आई, बड़ा झटका लगा। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे TMC के हाथों मात खानी पड़ी, वो भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर। बद्रीनाथ सीट आस्था के लिहाज से बहुत बड़ा महत्व है इसका।
हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया। अब ऐसे में उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के आंकड़ों पर भी हम नजर डालेंगे और सियासत के उस खेल को भी समझेंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प दिखाई देती है। जोर आजमाइश हुई और ताकत की पहली नुमाइश हुई उपचुनाव। तो क्या उपचुनाव झांकी है? हरियाणा महाराष्ट्र बाकी है। आंकड़ों से शुरुआत करेंगे और मैं अपने आज सहयोगी से चाहूंगा जरा आंकड़े भी दिखाएं ताकि हम कहानी को और गहराई से समझ पाए। कुल मिलाकर खबर यही है कि बीजेपी दो ही सीटों पर जीत पाई और इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल कर गया। यानी उपचुनाव का दंगल इंडिया का हुआ मंगल। आंकड़े एक एक करके प्लीज जरा प्ले करिएगा और उन्हीं आंकड़ों की कहानी को समझेंगे और जो तस्दीक करते हैं ये आंकड़े कहां कहां कौन कौन किस सीट पर जीता उपचुनाव के नतीजों में, चाहे तमिलनाडु का जिक्र करें, चाहे जिक्र करें उत्तराखंड का, चाहे जिक्र करें पश्चिम बंगाल का, एक एक करके आप देख सकते हैं कि कहां कहां कौन कौन जीता। तो ये उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विपक्ष धर्म निभाएंगे, निष्ठा के साथ निभाएंगे और ताकत के साथ और शक्ति के साथ और सक्रियता से निभाएंगे। मैं मंगलौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुंडागर्दी का जवाब दिया। लगातार हर राउंड में हम आगे होते गए ये जनता ने जो है भाजपा के की गुंडागर्दी का जवाब दिया। बहुत रवैया उनका खराब था, क्या डिक्लेयर कर दिया? अच्छा जी, क्या बहुत मुबारक हो। एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी माँ को, पार्टी तो माँ के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया, जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात ये है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है। मंगलौर की सम्मानित जनता ने यह संदेश दिया है कि चाहे कोई कितना जुल्म कर ले, जितना अत्याचार कर ले, धन बल का, सत्ता बल का, प्रशासन का, सबका दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ के रूप में काजी निजामुद्दीन की मेहनत और कांग्रेस के एक एक साथी की मेहनत रंग लाई। ये मंगलौर की सम्मानित जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के एक एक साथी की जीत है। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए, ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए बहुत महत्वपूर्ण, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार एक महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था
उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। जीत मेरा नहीं हुआ है, जीत ममता बनर्जी का हुआ है, जीत हुआ है हमारे हरिगुरुचर ठाकुर का हुआ है, जीत एक एक कर्मी जो है, जो वर्कर्स जो है, जिन्होंने सुबह शाम उन्होंने रात दिन सोए नहीं है और उन्होंने हेल्प करा है इस चीज के लिए, जो सब सब लोगों के लिए है, एक एक वोटर जो है जिन्होंने वोट करा है उनके लिए ये जीत है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस का चेहरा, बहुत दिनों बाद आज मुस्कुराहट का दिन है। एसके दुबे साहब समाजवादी पार्टी के चेहरे और साथ ही साथ आलोक कुमार पांडे जी राजनीतिक विशेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत क्यों ना मनोज पंडित जी आपके साथ की जाए। पंडित जी कुछ उदास लग रहे हैं, सब ठीक है? ऑल इज वेल। मनोज पंडित जी आपको मेरी आवाज आ रही है तिलक भाई? बिल्कुल सर, परफेक्ट आवाज आ रही है। मैंने कहा कुछ परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक? नहीं सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ये तो चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, इससे क्या, ये तो कोई इसमें परेशानी का कोई सबब नहीं है। हाँ। अगर यही इंडिया की जगह एनडीए लिखा होता तो नहीं, तो खुशी और अच्छी होती, मतलब कि हम सब लोग मिलके एक जो है जश्न मनाने का माहौल होता। हाँ। पर अभी भी जो लोग जीते हैं हम तो उनको बधाई देते हैं, उनको कि बहुत अच्छा है हमारी तरफ से। यानी आप ये, आपको हैरानी नहीं हुई आंकड़े देख के? देखिए तिलक जी, ये तो लोकतंत्र है यहाँ पर और जनता का जो भी आदेश होता है वो हर पार्टी को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। और नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, ठीक उसके बाद उपचुनाव हुए, इंडिया गठबंधन की आंधी, 13 सीटों में से 10 पर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, 11 सीटें बीजेपी कैसे हार गई? तिलक जी तो समीक्षा का विषय है इसमें, तो वहाँ का संगठन जो है इसमें समीक्षा करेगा कैसे हार गई, और उस समीक्षा में सामान्य बात है आपके लिए? नहीं, मैंने कब कहा सामान्य बात है, मैं तो कहा ही नहीं सामान्य बात है, है ना? ये मतलब तो, ये तो बिल्कुल एक गंभीर विषय है और इस विषय पे जो है जिनकी वहाँ तैनाती थी, जो लोग वहाँ पे प्रभारी थे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो क्या कमी रह गई। अच्छा, यानी आप मान रहे हैं इस उपचुनाव में जो जनादेश आया कोई ना कोई संदेश दे रहा है? वो देखिए संदेश कुछ नहीं है तिलक जी, ये इसको हम लोग संदेश की बात, अभी यूपी में भी चुनाव है, आप ही देखिए ना, 10 सीटों भी चुनाव है यूपी में, ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्या संदेश आएगा क्या नहीं आएगा। ये तो नहीं, एक संदेश है, एक संदेश है, संदेश ये है कि अयोध्या के बाद अब बीजेपी बद्रीनाथ में हार गई। देखिए तिलक जी, पार्टी अयोध्या में नहीं हारी चुनाव, मैं आपको फिर बता दूं कि अयोध्या वाली सीट, अयोध्या की सीट को आप कैसे, अयोध्या में 5 विधानसभाएं हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर नहीं, आप ये कहेंगे आप अयोध्या जीत गए, लेकिन नैरेटिव तो गया ना जनता के बीच में कि आप अयोध्या हार गए। अच्छा चलिए, आप कह रहे हो अयोध्या नहीं हारे, आप अयोध्या जीते, हम चुनाव हारे नहीं है वहां पे तिलक जी। अब ठीक है, आप किस चश्मे से देखते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सर अगर हार को भी जीत मान लेते तो आपका भी चश्मा भी वही है ना सर? नहीं नहीं, हम हार को जीत नहीं मान रहे, हार को हार मान रहे, तो हार को हार। अब ये बद्रीनाथ की जो हार है किस नजरिए से देखते हैं? अयोध्या को हार गए, ये बदलना पड़ेगा। नहीं सर, अब तो ये जले पर नमक छिड़क गया ना आपके, कि भाई पहले आप अयोध्या हारे, वहां पे रोज अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ में हाथ डाले घुमा रहे थे, अब यहाँ बद्रीनाथ में लखपत बड़ोला जीत गए कांग्रेस के, और वो भी आम कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता वहां बद्रीनाथ में चुनाव जीत गया, और आपका जो दल बदलू राजेंद्र भंडारी थे वो चुनाव हार गए। तिलक जी, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे कि इनकी पत्नी जो है भ्रष्टाचारी है, वो चुनाव हार गए। तिलक जी, जनता है, जनता आप ये समझ लीजिए जिसको आशीर्वाद देती है भरपूर आशीर्वाद देती है, ठीक है, और जनता का जो जनादेश है ये सब मानते हैं उसको। नहीं कोई मानना सर, एक मिनट मैं समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा विस्तार से समझाइए। अयोध्या, चित्रकूट,
रामेश्वरम, नासिक और अब बद्रीनाथ, देवभूमि में भी। तो आप तो कहते थे कि प्रभु राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो प्रभु राम का आशीर्वाद एक ऐसे चुनाव हार रहे हैं आप, वो भी बताइए, अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, नासिक, अब बद्रीनाथ में। तिलक जी, अयोध्या हम नहीं हारे हैं, ठीक है, लोकसभा है अयोध्या पूरी, लोक पांच विधानसभाओं में, अगर मान लो और चार विधानसभाओं से वहां बढ़त हासिल हुई तो ठीक है, अलग बात है। पर लेकिन इस चीज को यहाँ जोड़ के चले हम कि सारी धर्म स्थलियों पे हम चुनाव हार गए तो गलत बात। आप देखिए मथुरा कहाँ हारे हम चुनाव, मथुरा चुनाव जीते हम लोग, ठीक है, और सारी चीजें, तो ये उपचुनाव है और ये चुनाव तो देखिए हर चुनाव डॉक्टर सुधा दे दीजिए पंडित जी, बिल्कुल बताइए, देखिए आप उनकी हंसी जो है बता रही है कि आज जो है सुधा मिश्रा जी को लड्डू खिलाने चाहिए, तो इसी हिसाब से ठीक है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद उनको भी मौका मिला मुस्कुराने का। खैर, नहीं नहीं सुधा जी, खुश तो आज बहुत होंगे आप कि नहीं? नमस्कार तिलक जी। जी आपने कुछ प्रश्न पूछे हमारे मनोज भाई से, हाँ, और वो मुस्कुराते हुए, मतलब मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उन्होंने प्रश्नों को टाल दिया, तो वहीं से शुरू करते हैं। और आपने मेरे चेहरे पे कभी हंसी के अलावा कोई और भाव देखा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मुश्किल जिंदगी, अजाब भले हो लेकिन कामयाबी की तरफ चल रही होती है। तो पहले कुछ लाइनें दुष्यंत कुमार जी की है जो मैं चाहती हूँ, क्या पता जब लिखा हो तब कुछ उसके आस्पेक्ट कुछ और रहे हो, लेकिन आज संदर्भित होता है कि अब इस तालाब का पानी बदल दो, अब इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं जनता की वजह से। जनता जनार्दन है और ये जनता के साथ, जब जनता के मुद्दों में जनता के साथ लगे रहते हैं और जनता की बात करते हैं। अभी मैंने कहा अयोध्या हारे नहीं है और विधानसभा और क्या क्या बातें कर रहे हैं, यही दर्प और यही घमंड जहां इन्होंने जनता की अनदेखी करनी प्रारंभ की, और इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं जीत की, जीत की बात करते हैं, बिल्कुल जिस जो भी जनता जुड़ेगा, जनता के मुद्दों की बात करेगा, वहां पे उसको जीत मिलेगी। और जनता के सरोकारों से जुड़ना सबसे जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। अभी तो छोड़िए, अभी उपचुनाव आ रहे हैं, इसके बाद लखनऊ में जो इन्होंने हालत किए हैं, ऐसे घरों को तोड़ा जा रहा है जो 20-20 साल से रजिस्ट्री के साथ बने हुए घर हैं। लोगों को लगा था कि शायद मुस्लिमों के घर टूट रहे, हमारे नहीं टूटेंगे, उन्हें नहीं मालूम था कि इस आग की जद में वो भी आएंगे। तो ये जो राजनीति है ये जो है ये मुकाबला, इसको मुकाबला मत मानिए, यूपी में जो मुकाबला होगा ना 10 सीटों पर उसे हम मानेंगे। नहीं, हमने कहा ना कि मुकाबले की बात नहीं है, यहाँ पे तो जनता से मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे, लोकतंत्र में है। ये लोग भूल जाते हैं कि मनोस्मृत चलने वाला संविधान इनका अपना मन वादा नहीं है। जो आप ऐसा कुछ ज्यादा अति उत्साह में आ गए, 99 जीत के भी आप जश्न मना रहे थे, ये तो पहली बार देखा देश ने। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए, मैं तो एक जीत के भी मनाऊंगी क्योंकि जनता का जनादेश मिला है और इनको नीचे गिराया है, तो हमें जस्ट मनाना चाहिए। तिलक जी, आप तिलक जी नीचे कहां गिरे हैं, आप मुझे बताइए, जनता इनकी हकीकत को समझने लगी है, ये बहुत ज्यादा है, कम से कम लोकतंत्र जीत रहा है, इसके लिए जस्ट मुझे नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने बोला को मनाना चाहिए, संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए 53 में से 7 हो रहा है, में नंबर तो की तो बात ही है, और जश्न होना भी चाहिए, खुश है, उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है तिलक जी। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए, हमने तो आपको बधाई दी इसके बावजूद भी कि आप खुश रहिए, क्यों, क्योंकि हम भी चाहते हैं मजबूत विपक्ष होना चाहिए आपके पास, हमारे अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि इस बात की मुझे खुशी है कि मजबूत विपक्ष है, यानी आप चुनाव हारने के लिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए चुनाव हार रहे हैं। तिलक जी, बड़ी दिलचस्प बात है, आलोक जी, मेरा मानना है तिलक जी, बोलना चाहूंगे, वेंटिलेटर से बाहर निकल के आए तो खुशी तो होनी स्वाभाविक है, आप वार्ड में शिफ्ट हो गए तो खुशी, अरे कम से कम कुछ बदलाव लाइए, कुछ चेंजेस लाइए शब्दावली में, शब्दावली सब पुरानी बात ही हो गई है। अच्छा, आलोक जी कितने अलग कराए हैं, आलोक जी के पास चलेंगे, आलोक जी एक मिनट फिर दुबे जी के पास जाएंगे। आलोक जी, जी कांग्रेस गदगद है और बीजेपी कह रही है कि नो टेंशन, क्या वाकई कोई संदेश नहीं है या फिर उपचुनाव झाकी है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है? बिल्कुल बाकी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक वो जो नारा था ऑपरेशन लोटस वाला, कि जहां जीते वहां तो सरकार बनाएंगे, जहां हारे हैं वहां जरूर बनाएंगे, ये उसका उत्तर है। आप सत्ता के मद में अगर आएंगे, जनता आपको संदेश देगी,
अब रह की बात, हमारे मनोज भाई कह रहे थे कि वो मजबूत विपक्ष जो है हम चाहते हैं, हमने तो सदन में प्रधानमंत्री जी का एक बयान देखा तो वो तो कहते बालकनी में विपक्ष पहुंच जाएगा, तो मनोज भाई को थोड़ा तैयारी करके आना चाहिए भाई, कैसे आते हैं आप? वो फिर कहने के बजे सोचिए कि भारत का प्रधानमंत्री आपके सर्वश्रेष्ठ नेता ये कहते हैं कि वो तो बालकनी में विपक्ष चाहते हैं, जनता जहां से नीचे से ऊपर बता देगी, आप मजबूत विपक्ष क्यों चाहेंगे? आपके न चाहने के बावजूद अगर मजबूत विपक्ष होता है, ये जनता की इच्छा है आपकी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, आप कांग्रेस के संदर्भ में बताइएगा, एनडीए गठबंधन के संदर्भ में। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प होता है, टीएमसी जीत जाए तो जोड़ लीजिए इंडिया की शुरुआत है। नहीं नहीं, आलोक जी एक बात बताइए ना, टीएमसी जीत जाए तो फिर कह रहे इंडिया गठबंधन में जोड़ लो, आम आदमी पार्टी जीत जाए बोले इंडिया गठबंधन में जोड़ लो, बोलो ये हमारे खाते में ही आनी चाहिए बस। नहीं नहीं, ये गलत है। आम आदमी पार्टी ने तलाक दे दिया इंडिया गठबंधन से, और टीएमसी ऑलरेडी तलाक शुदा है इंडिया गठबंधन से, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इंडिया गठबंधन 10 और बीजेपी 2, टीएमसी और आम आदमी पार्टी को निकाल के जो बचे वो इंडिया गठबंधन है। हाँ। उसकी उतनी सी बात तो सुधा जी सही तो, कह रहे हैं आलोक जी की नहीं, फिर मैं दुबे जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, बात कुछ भी हो, इस देश के जनादेश में जो चीज देखने को आई है कि एनडीए 2 पर है, इसी को रखिए ना, क्योंकि लोकतंत्र में दर्प और अहंकार और नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने खाते में क्यों जोड़ रहे हो, जो आपसे तलाक ले चुके हैं आप उनको। आलोक जी ने स्पेसिफिकली जो तलाक कराया होगा उन्होंने वहां पे जाके उसकी गवाहियां भी ली होंगी, वो अलग मसला है, उस पर मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मुद्दा इस बात का है कि एनडीए जो दर्प रख रहा था, चार नहीं नहीं आलोक जी तमंचा क्यों लगाएंगे, कहां काफी है लोकतंत्र में, तमंचा नहीं मतदान काफी है। जिस सदन में प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, ये जनता का उत्तर है, शब्दों के लिए हमारे संविधान बैठे हुए प्रधानमंत्री जहां पे सदन के अंदर बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, ये उस सदन की जो सम्मान के साथ खिलवाड़ था उसका उत्तर है। जानबूझ के सदन में जिस तरह से बाकी विपक्ष के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार, उनके प्रति असम्मान के भाव, कांग्रेस का उत्तर हुआ करती थी तो हम तो हमारे दो का नारा लगाते थे बीजेपी के लिए, भूल गए हम लोग, हम तो हमारे दो का नारा कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कितना सम्मान करते थे, कोई बात ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज देते थे, देश के सम्मान से करते थे। मैं हमेशा ये कह रहा हूं, जो सत्ता में है उत्तर ने भी वो अपमान किया विपक्ष का, उत्तर तो अभी बीजेपी बोल रही है। एक सेकंड, दुबे जी रहेंगे अब, दुबे जी आपने सुना मनोज पंडित जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे, बोले असली चुनाव तो यूपी में होगा, 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने, उसके बाद ही तय करिएगा। नहीं ठीक है, वो भी उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 सीटें अभी हम लड़ेंगे, जब 10 सीटें हम लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही, और रिजल्ट आएगा तब भारतीय जनता पार्टी को सब देखने को मिलेगा कि क्या रिजल्ट रहा है, क्या यूपी की जनता फाइनल कर रही है। यानी आप ये मानते हो ये ट्रेलर नहीं है? नहीं, देखिए ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब मीडिया की उपज होती है, ये सेमीफाइनल, ये फाइनल, ये क्वार्टर फाइनल, ये सब चीजें कहीं कुछ नहीं, राजनीति एक चलती हुई प्रोसेस है। अच्छा, इससे कोई नैरेटिव नहीं बनता, परसेप्शन नहीं क्रिएट होता? नहीं, ये वो चलती रहती है। हाँ। लेकिन उससे एक इंडिकेशन जरूर जाता है कि यहाँ माहौल किस तरफ सेट हो रहा है। अभी तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होता इससे। नहीं, मैंने क्या बोला? हाँ। ये मीडिया चलाती है कि सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल, लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर हमें बेनिफिट, चुनाव लड़ते हो, हारने या जीतने के लिए तो लड़ते हो आप। नहीं, लोग इस चीज को इंडिकेशन, अगर हमें जिताते हैं तो इस चीज का इंडिकेशन होता है कि हाँ, लोग अब इनसे त्रास गए हैं और वो चेंज चाहते हैं। अब इसमें कोई संदेश छिपा कि नहीं? दुबे जी, मैंने कहा इस जनादेश में कोई संदेश छिपा है? नहीं, ये देखिए, ये अभी इससे सिर्फ एक ही संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी अगर सिस्टम में सुधार नहीं किया तो इससे भी बड़ा से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड है,
माननीय इनके जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं और इनके नेता हैं उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि निश्चित तौर पर डिक्टेटरशिप किसी की भी स्वीकार नहीं है। जनता को लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र में सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में वो लड़की बेचारी डॉक्टर बनना चाहती थी लखीमपुर खीरी की, लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पाया, उसका भाई उसको एक कंधे पे टांग के ले जा रहा है। आप कहाँ किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ है? तो ये सब जो चीजें हैं ये देखने को मिल रही है। सड़कें धस रही हैं पानी में, विकास कहाँ हो रहा है? विकास हो रहा है, कोई मदद मिलेगी? ना ना, इस रिजल्ट से यूपी में होने वाले उपचुनाव में कुछ मदद मिलेगी एक नैरेटिव सेट करने में कि देखो हमने यहाँ भी यहाँ दिया, यहाँ भी यहाँ? तो नहीं नहीं, ये जनता डिसाइड कर चुकी है, नरेटिव सेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जनता ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि इनके खोखले बाजे निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी, यानी आप ये कह रहे हैं आपके मुताबिक अगर बीजेपी उपचुनाव में यूपी में जीत जाती है तो फिर मैं क्या मानूं? कहां से जीत रही है आप हमें बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ आपसे। नहीं तो हमें तो, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता जनता ऐसा कोई मैसेज भी नहीं दे रही है। हाँ। बातचीत करने से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पंडित जी ये कह रहे कि भैया आपने जो है शेर घायल होता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उस टाइप का मामला है। नहीं ये ठीक बात है कि ये आप फुल तैयारी में आएंगे, लेकिन क्या हम तैयारी में नहीं आएंगे? ये अगर तैयारी में आएंगे तो क्या हम बिना तैयारी के आएंगे? जल्दी से नहीं, नहीं तिलक जी ये चुनाव है, चुनाव को सारी राजनीतिक दल जो भी कोई दल है वो बड़ी गंभीरता से लेता है उसको, और गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल ही होता है चीजों को, ये आंकड़ों का खेल है तिलक जी। यहाँ पर जिसके पास आंकड़े वही तो चीजों को चलाएगा। तो मेरा मानना ये कि समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद तो जितने कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, सब में बहुत उत्साह है और वो लगे हैं तरीके नहीं, तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, सारी की सारी सीटें एक तरफ, अयोध्या जीती हुई एक तरफ, मेरी बात समझ रहे ना आप? और ऊपर से अब ये बद्रीनाथ वाला मामला आ गया। देखिए तिलक जी ये तो अब ये कोई मामला नहीं है, ये चुनाव है और चुनाव ये जनता तय करती है क्या होना है क्या नहीं होना। अगर हम लोग इतना अच्छा काम नहीं करते तो तीसरी बार सरकार ना बनाते, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार ना बनाते। तो ये दुबे जी ये कह रहे कोई मामला नहीं है, अयोध्या वाला और बद्रीनाथ वाला बोलते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दुबे जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, दुबे जी चुनाव है, जनता चुनाव है। देखिए बहुत हाई प्रोफाइल सीट ये अयोध्या वाली थी, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा आप यकीन नहीं मानोगे। मेरे पास अभी गुजरात से फोन आए, बोले कि आपके सांसद जी का मुझे सम्मान करना है, एससी समाज के लोगों के फोन आए। आप सोचिए, और वो भी एससी समाज में कैसे? अच्छा। जो रिटायर्ड आईपीएस लेवल के अधिकारियों के फोन आए कि हमें अयोध्या किसे जो आपके सांसद जीते उनका सम्मान करना है। अच्छा तो मतलब दुबे जी मतलब अखिलेश यादव का सम्मान नहीं करना, आपके सांसद का सम्मान करना है? नहीं नहीं, अरे ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही तो सम्मान है, उन्हीं ने तो बनाया है। आज अगर अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं तो किसने टिकट दिया? सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की? और जनता ने उस पर मोहर लगाई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सम्मान है ही, वो तो सब जगह है। आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो किसकी बदौलत बोल रहा हूँ? किसकी बदौलत बोल रहा हूँ? उन्हीं की बदौलत बोल रहा हूँ ना। हाँ। तो ऐसा आप ये कैसे कह सकते हैं? कौन सा मेरे समझ नहीं आया इस लॉजिक आपको? ये परसेप्शन और नैरेटिव वाली बात नहीं आती क्या आलोक जी? जो बात दुबे जी कह रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो ये बोलेंगे ना कि भाई देखिए हमने तो उपचुनाव में भी हरा दिया इनको। नहीं दुबे जी फ्यूचर का भी सोच के बोल रहे हैं ना कि अगर 10 में से बीजेपी अच्छा कर गई तो हम कहेंगे देखो हमने कहा था कि जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये नजरिया तो निकल के आता है ना कि समाजवादी पार्टी आगे का भी सुरक्षित खेल रही है कि अभी भी नैरेटिव नहीं बन रहा है, अभी भी अगर हम हार गए 10 में से तो भी नैरेटिव नहीं बनेगा। लेकिन मेरा मानना हर सीट का एक संदेश होता। अब जैसे बद्रीनाथ की सीट है, जहां तक मुझे लग रहा है अगर मैं कंफर्म हूं, वो भी कांग्रेस के पास उस समय भी थी क्योंकि कांग्रेस से ही ये बीजेपी में आए थे। तो बद्रीनाथ की सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। और रह के बात मंगलौर की, तो उसमें 449 से जीते हैं, 400 से पहले भी जीते थे। तो ये कोई बहुत बड़ा इस तरह से संदेश नहीं है। 450 मत, 500 मत विधेयक विधानसभा में बहुत थोड़ा मत होता। तो
तो ये एक सफाई दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये उनको देना चाहिए था, मुझे नहीं देना चाहिए था। जीत जीत तो देखिए एक वोट से भी जीत होती है भाई, आप ये से संख्या की बात नहीं वहां पे आएगी, एक वोट से भी अगर जीता है तो वो जीत बनाने के लिए दूसरी चीज होती। अब 450 से जीत के वो नैरेटिव नहीं बनेगा जो 40,000 से बनता है, ये आप समझिए। वो जीतते हारते हारते जीत जाना और 40,000 से जीतना बम्पर जिससे, वो नैरेटिव नैरेटिव की बात है। आपकी जीत है बेहतरीन जीत है, जीत एक वोट से होती है, लेकिन तब सब आप कहते संविधान खतरे में, 449 से जीत गए, आप कभी ये नहीं कहा कि उसे संविधान के जीत गए, लेकिन अगर 449 से हारते तो आप कहते ईएम में गड़बड़ी है और बीजेपी ने बहुत गड़बर काम किया। अब आप 449 से जीते तो संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि जो आप नैरेटिव बना रहे हैं वो भी आप ध्यान रखिए कि 449 से आप जीते हैं तो ईएम कुल मिला के बात ये है जो संविधान खतरे में बता रहे थे। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन संसद में ये साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर हमें 80 की 80 भी सीटें मिल जाती तब भी हम इस ईवीएम का विरोध करेंगे। आलोक जी का ऑडियो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, सर मैं तो इस बात में ये हक लोग है कि 80 में 80 जीत लेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे, ये कौन सी बात हुई? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम पीछे नहीं लौट सकते हैं, चुनाव ईवीएम से ही होगा, ये नहीं होगा, पहले लूट नहीं जाते थे आप हाथी बैठे। नहीं सुनिए, ये एक अपना विश्वास है, ये हमारा विश्वास कैसा है, कहता है कि हमें ईवीएम से विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, ये बोलने वाला है कि आप विश्वास करिए, खतरनाक होता है, आप उसी ईवीएम से जीतते हैं और उसी ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं, ये कैसा अभियोग है? अरे तो मैंने पहले भी कहा है अगर जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ईवीएम को हटा देंगे। राजनीति में रहते हुए अभियोग ठीक नहीं है, ये हक ठीक नहीं है, हक धर्म का ठीक नहीं है। दुबे जी ये तो हक नहीं, ये तो हमने पहले भी कहा है, कहोगे कि ईवीएम भी ठीक है ना? नहीं नहीं ये तो हमने पहले भी कहा है, ये हमने पहले भी कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ईवीएम को हटाएंगे। ठीक ठीक, बस बात खत्म हो गई। ठीक, सरकार बनेगी सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, निर्णय वहां से आ चुका है, अमेंडमेंट करने के बाद भी हटा सकते अगर सर्वोच्च न्यायालय ना चाहे, इसलिए आप सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट भी हमारी हमारी संसद उसको बदल सकती है, इस बात से एक बार जनता को वर्ग ला सकते हैं, बार बार नहीं, इसलिए ये बात को बंद कर दीजिए कि ना ईवीएम वाले मुद्दे पे आप गलत बोलते हैं, गलत फहमी आपकी। नहीं नहीं कोई गलत फहमी नहीं, नहीं उनकी मर्जी है, कह रहे हैं आएंगे तो मन, हमारी मन की मौज है, जो चाहे वो कर लेंगे, इस देश में कोई सत्ता में मन मर्जी नहीं, एक बार मन मर्जी चलाई थी बस। सुधा जी ये उपचुनाव, आलोक जी ये उपचुनाव क्या संदेश दे रहा है आपके नजरिए से, अगर मैं आपकी ही नजर से समझना चाहूं? देखिए मैं हमेशा कहती हूं तिलक जी, यहाँ पे अगर नजरिए की बात है, वर्तमान में क्या देश के लिए बेहतर हो सकता है, अगर हम ये ना सोच पाए और बैठ के भी आलोक भाई बात करते करते पहुंच गए इंदिरा गांधी जी तक कर, काश इस देश में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी की तरह लोगों की दूरदृष्टा होती है, वो कार्य कर पाते, नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग की जो आदत है आलोचनात्मक, मात्र पीछे देखना आगे बढ़ने की न सोचना, आप लोग देश को बहुत कर रहे हैं, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए जो बहाव के सवाल खड़े हो रहे हैं की आलोचना क्यों हो रही है, और जब वहाँ पे आपातकाल लगा था जाके बताइए बच्चों को, राहुल गांधी है कि नहीं संविधान में, आप लोगों को बरगलाना बंद करिए, बताइए क्या बरगलाते हैं, संविधान नहीं की संविधान के तहत हुई थी, को क्या किया था इंदिरा गांधी ने, विनोद भावे ने क्यों कहा था, आप ये लोगों ने घर दिया था, मैं लोगों के दोस्त थी, आप बंधुओं की बात करती हूँ, वर्तमान में बात करती हूँ, जैसे लोग और इस सोच के आप लोगों ने संविधान की हत्या की, कांग्रेस ऐसे लोग मात्र झूठ फैलाते हैं, कांग्रेस संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है, इसकी बात करिए, ब्लैक स्पॉट लगा इस संविधान में, तो भी इंदिरा गांधी ने लगाया, हम लोगों ने किया, देश के बदले आप 1,000 साल पीछे जाते हैं, इस समाज
समाज में ब्राह्मणों को जो गाली मिलती है वो 1000 साल पीछे की मिलती है, और हमें बता रहे कि अनुमति वर्तमान में ब्राह्मण को गाली, छत्री को गाली, वैश्य को गाली, इससे वर्तमान का क्या सरोकार है? क्यों सरोकार कहा हुआ है कि छत्री को गाली नहीं पानी चाहिए? कहाँ जा रही है, कहाँ घुमा रहे हैं आप लोग? एक मिनट रुकिए ना, मसला उपचुनाव का है। आप जैसे बनाइए लड्डू खाइए, आपको इतना टेंशन ले रहे हैं। तिलक जी, सबसे जरूरी बात इस देश में जब तक ये अनर्गल रूप से इतिहास को देख के इतिहास में जाने की लोग बात करेंगे, वर्तमान को बनाने की बात नहीं करेंगे, इस देश की जवानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा होता रहेगा। और जानबूझ के धोखा करना इस देश के साथ धोखा करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, गलत हुआ, नहीं हुआ, क्या खराब हुआ, आज बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में किसी की दृष्टि नहीं है। बैठे रहेंगे, रुदाली रोते रहेंगे, बैठ के यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर कौन देगा? जबरदस्ती बैठ के ये हुआ होना चाहिए और क्या हो रहा है? जिस तरह डॉक्टर सुधा जी उपचुनाव पर आ जाए, एक मिनट मनोज पंडित जी जी तिलक भाई, इस उपचुनाव में एक और सियासी संदेश छिपा है, जानते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया, ठीक है, ठीक, बीजेपी के लिए कांग्रेस के 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जनता ने इन विधायकों को नकार दिया, 6 विधायक चुनाव हार गए, 6 राजनीतिक लोगों का राजनीतिक कैरियर बर्बाद। अब उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में बड़ी दिलचस्प खबर है। उत्तराखंड में एक चेहरे है कांग्रेस के, राजेंद्र भंडारी, ठीक जी, उन्होंने आपकी मोहब्बत में पड़ के अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। वैसे वो बात अलग है, वो आपकी मोहब्बत में इसलिए पड़े क्योंकि आपने उनकी पत्नी पर आरोप लगाए, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसके बाद तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुए, वो बद्रीनाथ की सीट भी राजेंद्र भंडारी हार गए, उनके कैरियर पर भी संकट। यानी जो आपके लिए छोड़ के आया वो चुनाव हार गया। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? ये तो उनका कैरियर ही, आप पहले अच्छे खासे विधायक थे, अब बताइए पूर्व विधायक लिखा जाएगा उनके आगे? देखिए तिलक जी, मैं बताऊं आपको, आप हाँ। जब अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जब आप जनता के हित की राजनीति नहीं करेंगे, जब आप अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेंगे, तो ये चीजें ठीक नहीं है तिलक जी, ठीक है, राजनीति है, मतलब आप मानते हैं जो आपके साथ है वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे? मैं ये देखिए तिलक जी, आप बातों को ना जलेबी मत बनाइए प्लीज। मैं जलेबी बना रहा हूँ सर? आप ही तो कह रहे हो स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे, जनता ने जवाब दे दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये समझाइए सर, ये नहीं कहता कि हमारे साथ आए या कांग्रेस के साथ चले गए या आपके साथ चले गए या समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। जो जनप्रतिनिधि होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी उस क्षेत्र की जनता के लिए, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, ठीक है, आपको विधायक बनाया, आपने जनता को धोखा दिया और जनता ने जवाब दे दिया, बात तो इतनी हुई, जनता ने सजा दे दी उनको। हाँ, तो इसलिए मैं वही तो कह रहा हूँ सर, वो तो आपके पीछे उन्होंने जनता को धोखा दिया ना, जिन्होंने विधायक की छोड़ी। आज की बात में ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी 1 घंटे पहले पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई पत्रकार छुट्टी पर ना जाए, किसी की शादी है तो उसे टाल दे, किसी को कहीं घूमने जाना तो ना जाए घूमने, एक बड़ा धमाका होने वाला है, एक बड़ी चीज आने वाली है, एक बड़ा कुछ दिखने वाला है। ये तिलक जी क्या है, ये सब कुछ क्या करना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप? तिलक जी स्थिति क्या है कि हम सरकार में क्यों नहीं है, हमें कैसे भी सरकार में आना है, हमें कैसे भी चीजों को बनाना है। आप नेता विपक्ष होके ऐसे बयान देते हैं, आप उस पद की गरिमा को नहीं देखना चाहते। किसके तो मेरा मानना सर, वहाँ राहुल गांधी ट्वीट करके लोगों को रोक रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी के लेकर शब्दों का इस्तेमाल सही करें, और आप कह रहे हैं गलत मंत्रालय आएगा। सोचा है किसी ने? बताइए, मतलब जिनको आप दिन रात पप्पू साबित कर रहे हैं, वो वहाँ पर वो लिख रहे हैं कि भैया ये तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि देखिए तिलक जी, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते, हम कुछ करना चाहते हैं। दिन भर बैठे संवैधानिक पदों का जिस तरह हनन करते हैं, इन्हें कहां से मालूम होगा कि जहां तरह से अच्छा व्यक्ति कई पहचान क्या है, इन्हें पहचान नहीं होगी। जनता के विश्वास को मत तोड़ो, उसके साथ विश्वासघात मत करो, आप कम से कम उसकी बात तो करो। सामने रख के बोल रहे हैं आप, जनता समझ रही है कि आप जो आप लोग जनता के सारे धोखे करते हैं, मत करिए, जनता दे रही है, ऐसे जवाब देगी उनको, दुख दर्द को
बयां करना है, वहां पे चीजों को लाना है, ये बताइए आप। आप ये नहीं कि हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, समझ नहीं आता क्या क्या इनका राजनीति करने का तरीका है, क्या ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं। हम तो हजार बार प्रधानमंत्री जी के 2014 के पहले इस देश में कुछ भी नहीं था, बंगाल की जैसे आप आलोक जी कह रहे थे कि भाई दूसरे परिपेक्ष में देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर बंगाल में 4 सीटें टीएमसी ने जीती, ठीक, बिहार के रोपाली में जेडीयू हारी लेकिन वहां निर्दलीय जीता, ठीक। अब कुल मिलाकर उत्तराखंड की जो 2 सीटें हैं वो पहले भी कांग्रेस ही वहां पर, मतलब कुछ अंकगणित का फर्क पड़ा नहीं, वहां नतीजे जो आए परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। मंगलोर और बद्रीनाथ जो है दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत तो ली, लेकिन कांग्रेस 19 थी 20 हो गई और बसपा 2 थी 1 हो गई, भाजपा जहां खड़ी थी वो वहीं पर ही खड़ी है। तो फिर ये आप कह रहे हो कि नहीं ये तो हमारी ही जीत है, वो कह रहे हमें कोई रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा, ये जरा समझाइए। नहीं देखिए देखिए ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ा है। अब बंगाल में 4 सीटें थी, आप 4-4 हार गए, तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है जीती ना। इसी तरीके से आप बिहार की अगर बात करें, बिहार में जो सीट जेडीयू की थी लेकिन आज निर्दलीय जीता है वहां पे, वो भी फर्क पड़ा। उत्तराखंड में बसपा थी एक पे, बसपा से कांग्रेस ने छीन ली, तो वो भी, अरे भाई अगर एक की जगह 2 हो गए तो ताकत तो बढ़ी ना उसकी। तो निश्चित तौर पर ओवरऑल भी अगर सिनेरियो आप देखेंगे, माहौल बनाने तो में भारतीय जनता पार्टी कम हुई, माहौल बनाने में मदद तो मिलती है ना इससे, डेफिनेटली मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 से 37 हुए तो बाएं चढ़ गई आपकी, नहीं तो अरे कार्यकर्ताओं में कितना जोश होता है, हमें वही कह रहा है, ये जोश का ही तो खेल है ना। हाँ, अगर आप में जोश ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? ये कह रहे हैं मामला जोश का ही है, आज आपका जोश कुछ ठंडा है। उपचुनाव में कुल मिलाकर हिसाब लगाएं तो इंडिया गठबंधन की जो धाक दिखाई दी, 5 सीटें बढ़ी हैं उपचुनाव में, 5 उनका जोश, उनका जो जोश था ठंडा पड़ गया, अति जोश था इसलिए वो ठंडा हो गया। हमारा जो जोश है वो जोश है पंडित जी, कोई नहीं तिलक जी, कोई बात नहीं, अभी और चुनाव भी हैं और हाँ। आप देखते रहिए किसका जोश अति है और किसका लिमिट से है, क्या हिसाब किताब चुकता कर दोगे, वो सब जनता बता देगी। हाँ। पर हम लोग फिर डिबेट में होंगे और सारी चीजें आपके सामने होंगी तिलक जी, तो ये अच्छा, सब जो है ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में जो है जनता के आदेश ही सर्वोपरि होता है, इसमें इतना घबराने की, इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था आलोक जी, बड़ा दिलचस्प है। मतलब जैसे कल तक होता था कि जैसे बीजेपी जीती तो देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मतलब तमाम नेता खटाखट, और अब कांग्रेस जो है वो खटाखट, राहुल जी ने जो खटाखट लिखा उसमें लिखा, बड़ा दिलचस्प, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुने गए भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेशा समेत हर वर्ग तानाशाह का नशा कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। ये मतलब जोश हाई दिखाई दे रहा है मामला, कि भैया क्रेडिट सारा हमें ही जाना चाहिए, कुछ इस टाइप का। और लेकिन आप कह रहे हो कि भैया यहां तो कहानी कुछ और भी है, टीएमसी अलग, जेडीयू है नहीं, तो फिर भाई निर्दलीय चुनाव जीता, मिलती है नेता तो बाहर चला के कहना चाहिए, मैं होता तो मैं कुछ और लिखता। हाँ, क्यों ना लिखे, ये नैरेटिव तो है ना कि बीजेपी नहीं जीती, और अंदर जाके देखेंगे तो चीजें अलग पले निकले, लेकिन ये नैरेटिव तो बन रहा है। हालांकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई, 240 सीटें मिली, लेकिन जो हवा बीजेपी बना रही थी 400 पार, उसके बाद 240 में आ गए, फिर उपचुनाव में भी और कम हो गए,
तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में माहौल बनाने में राहुल गांधी को मदद मिलेगी और वो खटाखट लिखना भी चाहिए, क्यों ना लिखे। आखिर एनडीए की तो कम से कम अभी इस समय पे हार है ही, और इंडिया अलायंस की या एनडीए अलायंस की नहीं, तो मैं वही जानना चाहता हूं, हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड आने वाले वक्त में यहां पर चुनाव है और कुछ ही महीनों में चुनाव है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, तो ये नरेटिव भारतीय जनता पार्टी की बहुत अंतिम परीक्षा होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी और इसका दंड महाराष्ट्र में मिल सकता है। जिस तरह जनता दल बदलुओं को पसंद नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कादर वोट है वो बहुत नाराज है अंदर से, वो कह रहा कि मेहनत हम करें यूपी में भी आपके विधायक पूर्व मंत्री खुलकर ये बात कह रहे हैं, जो बात आलोक जी बोल रहे हैं, अंदर नाराजगी तो है ही कि नहीं बीजेपी में, मंचों से बताइए आपके नेता बोल रहे हैं। तिलक जी देखिए, अगर आपके अनुमान के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता तो कोई ना कोई कारण तो होता है कि आपके अनुमान के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। हाँ, अब क्या कारण है, क्या चीजें हैं, वो एक समीक्षा का विषय है और पार्टी हर स्तर पर समीक्षा कर रही है। हाँ, और कैसे उसको सुधारा जाए। नहीं, नहीं, वो बात ठीक है, अब तक तो बीजेपी के घर के भीतर से आवाजें नहीं आती थी, लेकिन अब तो खुलकर ये जो है आप ही के नेता मंचों से बोल रहे हैं। देखिए तिलक जी, कार्यकर्ता भावनाओं से चलता है, कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह तो नहीं देते ना, कोई भी हाँ, कोई भी पार्टी है हाँ, कार्यकर्ता को तनख्वाह नहीं देती या कोई ऐसी चीजें नहीं देती जो कार्यकर्ता जहाँ पे कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे करने से देश का भला होगा। और आप कार्यकर्ताओं का हक मार लेते हैं फिर वो, तो उसकी सजा तो फिर वो कार्यकर्ता देता है ना पार्टी को। हाँ, आज कांग्रेस यहाँ बैठी है, कांग्रेस ने तो राज किया, सारी चीजें कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आपने भी तो कार्यकर्ताओं का हक मार लिया। मंगलोर में जैसे आप चुनाव जीते, आप जो कैंडिडेट था वो पैराशूट कैंडिडेट था, मंगलोर में पैराशूट कैंडिडेट लेकर आया, मालूम है ना आपको भड़ाना साहब। जी तिलक जी, हरियाणा की राजनीति करते हैं फरीदाबाद के, नहीं तो तिलक जी क्या हुआ, घाट घाट का पानी, मतलब कि जैसे राजस्थान की भी सियासत की, हरियाणा की भी की, उत्तर प्रदेश की भी की, और फिर आपने कहा कि भैया आ जाइए, तो आपने भी तो कार्यकर्ताओं का हक मार दिया। तिलक जी फिर क्या हुआ, उनका क्या असर हुआ मुझे बताइए, क्या मिला नतीजा, क्या निकला आप मुझे बताइए, हार गए आप फिर तो। तिलक जी मेरा मानते कि तिलक जी आप अपने आप को भगवान मानने की गलती ना करें। अगर आपने ये हाँ, सोचा कि मैं भगवान हूँ, राहुल गांधी जी ये सोचे, कौन भगवान मानते हैं अपने आप को, राहुल गांधी जी सोचे कि नहीं, आप तो बात घुमा गए पंडित जी, खटाखट नहीं चलेगा राहुल, पंडित जी आप तो बात घुमा गए, खटाखट से काम नहीं, खटाखट नहीं, भगवान कौन मानते हैं आपको, कहना पड़ेगा अविनाश जी, काशी में अविनाश जी कार्यकर्ताओं को सुधा जी कुछ कह रही है, सुधा जी ये भगवान की बात कर रहे थे। अरे मैंने कहा ना अविनाशी स्वयंभू जो नॉन बायोलॉजिकल है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ये भूल गए आज की भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन अच्छा है आज दर्पण सामने और जो कुछ निकल रहा है सच निकल रहा है, जाहिर सी बात है ईश्वर मानने की भूल नहीं करनी थी, सुधा जी मानने की भूल हो चुकी है, एक्सेप्ट करिए ईश्वर नहीं है, ईश्वर के बनाए हुए मानव है जिनका कुछ कर्म है, कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ खड़ा होगा, आपके अच्छे कर्म नहीं होंगे ईश्वर साथ में नहीं खड़ा होगा, और देखिए आज आपके मुख से स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर मानने की गलती ना ही करे, और देखिए आपने बोल दिया ये होता है ईश्वर का साथ, ईश्वर हमारे साथ है, वो आपके कहने मात्र से मैं आपके हमारे आने वाली पीढ़ी हमें क्या जवाब देगी, हमारी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। अच्छा मनोज जी एक बात बताइए, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊं, एक मिनट मनोज जी, नहीं चलने वाला आप, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट देश हित के लिए काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएगी। तिलक जी एक लाइन जल्दी से, आपने तो इनको बीच में, हाँ मैंने कहा कि ये इसे कहते हैं ईश्वर का साथ, ईश्वर ने आज कहला दिया भाजपा के प्रवक्ता से कि ईश्वर खुद को मानने का आप कहीं से भी वो मत करिए, नहीं तो ईश्वर दंड देगा, और दंड मिला है, जहां जहां मिला है दिख रहा है, बहुत बहुत आभार मनोज भाई का। मनोज जी, जी तिलक भाई, ये अयोध्या फिर उसके बाद बद्रीनाथ चुनाव आप हार गए, बुरा तो लगा होगा ना कि नहीं, देखिए
दिल को चोट तो पहुंची होगी। देखिए अयोध्या बद्रीनाथ की बात नहीं है तिलक जी, चुनाव आप कहीं भी हारेंगे, किसी गली मोहल्ले का चुनाव भी आप लड़ेंगे और वो हार जाएंगे, वो ये ह्यूमन नेचर है, बुरा लगेगा ही। आप बच्चा एग्जाम देने जाता और फेल हो जाएगा तो बुरा तो उसको भी लगेगा। तो ये भगवान का, कल तक तो आप कहते थे भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। नहीं तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं आशीर्वाद आज भी है ना हमारे ऊपर, हम सरकार में बैठे हैं। नहीं सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सब कुछ। देखिए तिलक जी, ये अयोध्या बद्रीनाथ कोई इशू नहीं है, ये भी एक लोग, ये भी विधानसभा है, लोग ये भी सारी चीजें, जनता वहां भी रहता, क्या फर्क। आप देखिए ना, आप पूरे प्रदेश में चुनाव, आज हम सरकार में बैठे हैं, चीजें हैं, हम लोग तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है हमारे पास, ठीक है। और ये खटाखट वाली राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग जमीन पर रहकर जमीन से जी, वो ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अयोध्या जीते या बद्रीनाथ जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, मनोज पंडित जी कह रहे हैं। तिलक जी कह रहे हैं आप खुश होते रहिए, हम सरकार बनाते रहेंगे। एक वाकया हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी भारतीय क्रिकेट टीम से मिल रहे थे, उस समय विराट कोहली ने एक बात बोली थी और मुझे बड़ा, मतलब बड़ा आनंद आया कि ऐसी शख्सियत के सामने बिंदास होके बात किया विराट कोहली ने। विराट कोहली बोली कि मेरे को जब अहंकार था तो हमेशा मैं फेल होता चला गया, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मेरे को अहंकार दूर रखना पड़ेगा तो मैं फाइनल में जाके अच्छा खेल पाया। तो मुझे इस बात का मतलब वो लगा कि आखिरकार बंदे ने प्रधानमंत्री के सामने तो बोला कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घमंड था, अहंकार भर गया था, 400 की बातें करने लगे थे, तो शायद प्रधानमंत्री जी ने विराट कोहली से अब कुछ सीखा हो तो शायद रास्ता उन्हें मिले। लेकिन अब आने वाला ये वक्त बताएगा, 2017 से 24 आपने क्या सीखा? हमने तो बहुत कुछ सीखा। हाँ। अगर आगे नहीं, ये 37 कैसे आ गए अगर सीखा नहीं? नहीं तो वही कह रहा हूँ, अगर हम 17 में 45, सुनिए सुनिए, तो इसका मतलब आप 2012 से 17 तक अहंकार में थे। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो सही, हम 17 में 45 थे, 22 में हम 111 हो गए और इसमें हम 37 हो गए, तो हमने तो अपनी गलतियों से सीखा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, हमें पता नहीं चला होगा लेकिन हमसे। चलिए मनोज पंडित जी, चलते चलते ये बताएंगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मनोज पंडित जी, इस हार को लेकर। देखिए कार्यकर्ताओं बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि अगर कहीं कोई त्रुटि या कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने का विषय है, उसको सुधारा जाएगा। और समीक्षा इसी चीज की जाती है कि अगर मान लो वहाँ जनता के हित की बात हो तो वो सर्वोपरि होनी चाहिए, आदमी व्यक्ति के हित से ऊपर जनता के हित का काम करना चाहिए। नहीं कार्यकर्ताओं को कुछ मनोबल बढ़ाने के लिए, ये तो देखिए अब चूंकि हमारा रोड मैप है, हमारी चीजें हमने जो जनता से जो आपके लिए छोड़कर आए और वो चुनाव हार गए, उन मतलब उन नेताओं के लिए ठीक है, इसकी समीक्षा करेंगे तिलक जी, कैसे हार गए क्यों हार गए, बाकी सब ठीक है, वो उनके मान सम्मान का ख्याल, पहले विधायक थे अब वो पूर्व विधायक रह जाएंगे बेचारे, कोई बात नहीं, कहीं पार्टी उन्हें एडजस्ट करेगी, उन्हें उचित सम्मान देगी जहाँ उनका नहीं, वो तो अपनी विधायकी छोड़ के आए ना, वो चुनाव भी हार गए वजह से। ये जीवन में विधायक जब नहीं थे तब भी तो विधायक बने थे, फिर बने फिर नहीं, वो तो आपके लिए छोड़ के आए ना सब कुछ, कोई नहीं तिलक जी हमारे लिए छोड़ के आए तो हम उसका कोई ना कोई उचित सम्मान का इंतजाम करेंगे, देंगे उनको, ऐसा थोड़ी है। अच्छा इंतजाम किया जाएगा, कहने का एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी तिलक, ठीक चलिए इंतजाम करिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, आलोक जी आना चाह रहा था आपके पास, थैंक यू सो मच, सुधा जी आपका भी, पंडित जी आपका भी और दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में अभी ये नतीजे और आंकड़े इंडिया गठबंधन को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अभी यूपी में पिक्चर बाकी है, यहां भी उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, तो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।